हेलो लर्नर्स, इक्वालिटी थ्रू आर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ये टॉपिक करेंगे आज हम। हाउएवर एज वी नोटेड अर्लियर, फॉर्मल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एसेंशियली। जैसे कि हमने पहले देखा था, जो फॉर्मल इक्वालिटी है और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ज़रूरी है, बट नॉट सफिशियंट टू रियलाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। मगर इससे ये नहीं है कि सभी जो उनको जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है वो सभी को रियलाइज हो जाएगा। समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे आर इंजॉय इक्वल राइट्स। कभी कभी ये इसकी भी ज़रूरत होती है कि लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया जाए, डिफरेंटली ट्रीट किया जाए, ताकि उनको ये इंश्योर किया जा सके कि वो सभी इक्वल राइट्स को इंजॉय कर रहे हैं। सर्टन डिफरेंशेस बिटवीन पीपल मे हैव टू बीन टेकन इंटू अकाउंट फॉर द पर्पज। फॉर इंस्टांस, डिसेबल पीपल, जो डिसेबल होते हैं, डिफरेंटली एबल होते हैं, विकलांग होते हैं, मे जस्टिफिएबल डिमांड स्पेशल रैंप इन अ पब्लिक स्पेस। स्पेशल रैंप, रैंप देखो, अगर ये देखो जो पहाड़ी होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, उनके ऊपर अगर जो व्हील है, व्हील चेयर नहीं इस पर चढ़ पाएगी, अगर ऐसे रैंप बनाए गए हैं तो वो रैंप में जो उनकी व्हील चेयर है वो ईजीली चढ़ पाएंगे वो उसके लिए, ठीक है। सो दैट दे गेट अ इक्वल चांस टू एंटर पब्लिक। तो इससे क्या होगा, वो इक्वल चांस मिल पाएगा उनको पब्लिक बिल्डिंग्स में जाने का। वुमेन वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, जो कॉल सेंटर में वुमेन वर्क करती हैं रात के समय में, मे नीड अ स्पेशल प्रोटेक्शन, उनको भी स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ड्यूरिंग द जर्नी टू एंड फ्रॉम द सेंटर, सो दैट देयर इक्वल राइट टू वर्क मे बी प्रोटेक्टेड। तो हमें ऐसे भी कुछ प्रावधान करने होंगे कि जो वुमेन है वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें, और वो रात को भी जैसे कॉलिंग सेंटर में वर्क करती हैं, और ऐसे लॉ बनाए जाएँ कि उनको जो इक्वल राइट टू वर्क वो भी प्रोटेक्ट हो सके। देयर दी शुड नॉट बी अ सीन एज अ इन्फ्रिंचमेंट ऑफ इक्वालिटी बट एज अ इन्हांसमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो भाई ये देखो, ये इक्वालिटी को इन्हांस करने का ये एक तरीका है, तो इन बातों पर भी ध्यान देना होगा। व्हाट काइंड ऑफ अ डिफरेंसेस हैं अपॉर्चुनिटी, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिसीज बी परस्यू टू ओवरकम दोज हिंड्रेंस आर अ क्वेश्चन दैट आर बीइंग डिस्कस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटी टुडे। सम कंट्रीज हैव यूज्ड अ पॉलिसीज फॉर ऑफ अफर्मेटिव एक्शन टू इनहेंस द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत सी जो कंट्रीज ऐसी हैं जो पॉलिसीज हैं उनकी एफर्मेटिव एक्शंस लेती हैं और वो इन्हांस करती हैं इक्वालिटी को, इक्वल अपॉर्चुनिटी को इन आर कंट्री। मगर हमारी कंट्री में अगर देखा जाए, वी हैव अ रेल्ड ऑन द पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन। हमने पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन अपनाई गई है, यानी कि रिजर्वेशन देते हैं उनके लिए राखवाकरण किया जाता है। ओके, इन दिस सेक्शन वी विल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। ये एफर्मेटिव एक्शंस हैं हमारी गवर्नमेंट के, एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द इश्यूज रेज्ड बाय स्पेसिफिक पॉलिसीज विद इन दैट फ्रेम्स। तो ये विद इन दैट फ्रेम्स में ये जो पॉलिसीज हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो ये देख लीजिए, ये देखो क्या है, ये क्या है, टू इंश्योर अ फेयर सिलेक्शन यू ऑल गेट द सेम टेस्ट यू मस्ट ऑल क्लेम द ट्री। तो भाई ये बताइए, ये देखो ये बोल रही हैं भाई, क्या पॉसिबल है, क्या ये चढ़ पाएंगे। अगर बोला जाए भाई आप सभी के लिए ये चढ़ पाएंगे, ठीक है, क्या चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे, इसके लिए तो फेयर नहीं होगा ये, है ना। तो भाई सबके लिए जिस तरह का उसका जो जैसे कि नीड है उसको उस तरह का ही टेस्ट लिया जाना चाहिए। ये तो भाई एक मिनट में चढ़ जाएगा, है ना, मंकी इसकी तो फितरत है, तो सबके लिए सेम टेस्ट नहीं, सबके लिए अलग अलग टेस्ट करवाए जाएँ। जैसे कि आपको बताया था मैंने एक वुमेन की और डिसेबल की एग्जांपल दी थी कि उनको कुछ खास प्रिविलेजेस चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए पॉलिसीज के द्वारा। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।